मौर्या। बोलो गणपति बाप्पा मौर्या, ओम गणपते नमो नमः, गणपति बाप्पा मौर्या। बट घोड़ा का यहाँ पे ना रस्सी किसी ने निकाल दी है, घोड़ा का मूड करें किसी को ठोक भी देगा यहाँ पे। Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a... Hey guys, welcome back to the My New Vlog. So guys, आप सभी का ना राक्षसना प्यारा से YouTube family में स्वागत है। रिफ्रेश, गुड मॉर्निंग। फिलहाल तो मैं अभी हूँ बोरो स्टेशन ईस्ट के यहाँ पे। बट सो गाइस, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने ना होटल सी एंड रॉक में ना फर्स्ट डे था, वो आज सेकेंड डे है। आज मेरा मॉर्निंग शिफ्ट है। अब जब से मैं पहुँचा बोरो स्टेशन के यहाँ पे, और अभी बज चुका है सुबह के 8:45, और मुझे ना आज बोरो स्टेशन के ईस्ट के यहाँ से ना बस नंबर 700 LTD पकड़ना है। और आज मैं जाने वाला होटल एंड सी रॉक, जो मतलब मीरा रोड स्टेशन से लगभग ना ईस्ट के यहाँ पे 5 किलोमीटर है, और बोरो स्टेशन से यहाँ से लगभग ना 15 किलोमीटर है। और आज जो मेरा रिपोर्टिंग टाइमिंग है ना वो है 9:30 का। बट कहने का भी मेरे पास 45 मिनट है, और फटाफट यहाँ से बस पकड़ता हूँ और यहाँ पे निकल जाता। सो गाइस, आपको बताना चाहता हूँ कि बोरो स्टेशन ईस्ट के यहाँ से ना अगर आपको थाने कभी भी जाना है, और जस्ट जो तिरंगा है ना झंडा के जस्ट बाजू में ना यहाँ पे ना 700 नंबर का बस मिलता है। और सो दोस्तों, यहाँ ये झंडा है, ये बोरी स्टेशन, और झंडा के जस्ट बाजू में ना वहाँ पे 700 LTD का बस है। तो फटाफट जाते हैं, अभी आ जाओ। सो दोस्तों, ये है ना बोरी स्टेशन इसका झंडा, और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 700 LTD जो थाने के लिए बस बन के यहाँ से निकलती है पुलिस स्टेशन ईस्ट के यहाँ पे। बट अभी हमें ना होटल फाउंटेन के यहाँ पे जाना है। अभी वेट करते हैं बस यहाँ पे कितने बजे आएगा और हमें कितने बजे वहाँ पे छोड़ेगा। बट हमें आज कुछ भी करके ना 9:30 वहाँ पे रिपोर्टिंग करना है, और ताकि अभी देखते हैं बस आएगी नहीं। तो चलो गाइस, फिलहाल तो यहाँ पे उतना लाइन नहीं है, फटाफट हम ना यहाँ लाइन पे इंतज़ार खड़े हो जाते ताकि ज़्यादा यहाँ पे रश ना हो। तो चलो। सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो मेरा मॉर्निंग का जो इवेंट है ना, ना ही वो कैजुअल इवेंट्स है, ना ही आज मेरा ना फुली ब्लैक ड्रेस कोई मतलब प्रोफेशनल इवेंट है। आज मेरा जो इवेंट है ना वो है होटल मैनेजमेंट का, जहाँ पे मतलब मैं पूरा ना वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज, शेविंग क्लीन, ब्लेजर, ब्लैक टाई, ये सब कुछ मतलब मेरा यूनिफॉर्म ड्रेस कोड है। और ये ड्रेस कोड से ही आज मुझे वहाँ पर जाकर काम करना है। और जहाँ पर मेरा शिफ्ट का टाइमिंग रहेगा वो रहेगा मॉर्निंग से 9:30 से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक। फिर उसके बाद मैं वहाँ से घर चले जाऊँगा। बट मुझे नहीं पता कि आज वहाँ पे ना कितने गेस्ट आने वाले हैं, और लंच में क्या है, ब्रेकफास्ट में क्या है। सो गाइस, आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे कल जो मैं इवेंट किया था होटल सी एंड रॉक में, वहाँ पे मैंने मॉर्निंग इवेंट किया था, फिर उसके बाद वहाँ पे ना मैंने इवनिंग का भी इवेंट किया था। बट वहाँ पे कल क्या था ना, वहाँ पे कल ना हल्दी था, संगीत था, और आज ना वहाँ पे मॉर्निंग में शादी है और इवनिंग में ना रिसेप्शन है। बट आज मैं सिर्फ मॉर्निंग के लिए वहाँ पे इवेंट जा रहा हूँ, इवनिंग इवेंट नहीं कर रहा। तो चलो, फाइनली यहाँ पे बस आ चुका है, उसके हम लोग फाइनली बस पे चढ़े। बट ना ये ना 700 LTD बस नहीं है, बट यहाँ से ना 60 नंबर की बस ना बन के निकलती है, जो बोरवी स्टेशन ईस्ट के यहाँ से ना थाने के लिए। और फाइनली हमको यहाँ पे सीट मिल चुका है, यहाँ पे उतना रश भी नहीं है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। सो दोस्तों, कल ना मतलब कल जो हमारा मॉर्निंग इवनिंग का जो इवेंट था ना, कल रात को हम लोग करीब ना, मैं तो कितना 1 बजे घर पे पहुंचा, फिर उसके बाद क्या सोते सोते मेरे को 1:30 बज गया, और 1:30 बजे सोया, फिर उसके बाद सुबह 7 बजे उठा, फटाफट फ्रेश हो गया और घर से निकल गया इवेंट के लिए। तो मतलब अभी पिछले मतलब अभी लगातार ना अभी, क्योंकि अभी ना तुलसी विवाह था, और इसकी वजह से कई सारे मतलब भी हमारा ना सीज़न स्टार्ट हो चुका, वेडिंग का इवेंट स्टार्ट होगा। जितने भी मुंबई के कैटरर्स हैं ना, और पूरे इंडिया में ना सभी कैटरर्स का काम स्टार्ट होगा। तो इसकी वजह से अभी ना काफ़ी कुछ प्रेशर आने वाला डेली काम करने के लिए। तो ये सारे चीज़ें अभी देखते हैं कि हम लोग मतलब, अभी मैं तो चाहता हूँ कि मैं 4 दिन लगातार फुल डे काम करूँ, क्योंकि जो पिछले दिन हम जो बैठ गए थे घर पर तभी काम नहीं था, बट अभी लगातार करेंगे तो थोड़ा बहुत हम अर्न कर सकते हैं। तो चलिए, अभी बस में बैठे, अभी थोड़ा बहुत अभी टिकट थोड़ा अभी मैं और मेरा दोस्त का भी टिकट निकालेंगे, और यहाँ से भी निकलेंगे सीधा घोड़बंदर के, यहाँ पे हमें स्टॉप करना है, मतलब होटल एक्सप्रेस इन है, फिर उसके बाद वहाँ पे ना फाउंटेन होटल है, और उसके जस्ट बाजू में ना वहाँ पे ना होटल सी एंड रॉक है, और वहाँ पे जाते हैं। तो चलिए। सो दोस्तों, यहाँ पे देखते देखते ना पूरी बस यहाँ पे भर चुकी है, देख रहे पूरा बस यहाँ पे भर चुका है दोस्तों। अभी जस्ट ना सुबह के 9:26 हो चुका है, ये रहा बस, और बस ने अभी जस्ट हमें ना होटल एंड सी रॉक के ना छोड़ दिया है। अब जा रहे हैं हम लोग होटल सी के पास, और ये रहा फाउंटेन होटल, और वो रहा होटल एक्सप्रेस इन, ये रहा होटल एक्सप्रेस इन, और ये रहा फाउंटेन होटल, और ये रहा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे।
सो दोस्तों अभी यहाँ से एंट्री करने जा रहे हैं सी एन रॉक होटल कॉरपोरेट रिएक्शन रिक्रिएशन। ये रहा एंट्रेंस गेट, कुछ इस प्रकार का है। अभी जस्ट एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा है कि अभी फिलहाल ना सुबह के ना 9:30 बज चुका है, बट 9:30 बजे हमारा अभी ना वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइमिंग है और 9:30 तक वहाँ हम पहुँच जाएंगे। बट यहाँ पे कैसे ना जैसे जैसे यहाँ पे ना रात होते जाएगा ना ठीक उसे यहाँ पे ना ओस गिरता है, मतलब कैसे ना ठंडी की वजह से ना जो चेयर्स वगैरह वहाँ पे सिटिंग के लिए लगाया रहता है ना पूरा गीला गीला हो जाता है और यहाँ पे ना रात को ठंडी लगने लगती है, काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे। अभी क्या होगा ना वहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग का ना ब्रेकफास्ट का वहाँ पे ना बुफे काउंटर लगा होगा और जब हम काम कर रहे होंगे तभी तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगा। बट क्या होता है जैसे वहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिलता है तो उसके बाद ना मैं चुप चुप के वीडियो शूट कर लेता हूँ, ऐसा अलाउ तो नहीं होता। बट लेकिन अभी कैसा है ना अभी वेलकम टू बारात होगा, बारात वगैरह लोग आएंगे, फिर शादी होगा, फिर उसके बाद शाम का रिसेप्शन रहेगा ठीक है। बट देखते हैं अभी क्या होता है यहाँ पे ठीक है। तो अभी फटाफट जाते हैं, ब्रेकफास्ट वहाँ पे रेडी है और वहाँ पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। सो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको ना होटल सी एन रॉक में कभी भी आना होगा ना तो आप ना मीरा रोड स्टेशन के यहाँ से भी आ सकते हो या फिर आप ना बोरोई स्टेशन ईस्ट के यहाँ से भी आ सकते हो और मीरा रोड स्टेशन ईस्ट के यहाँ पे आ सकते हो। मीरा रोड स्टेशन से 5.5 किलोमीटर है और उसके बाद बोरोई स्टेशन ईस्ट के यहाँ से ना ये लगभग है 15 किलोमीटर है, तो आप कहीं से भी आ सकते हो। और वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए ना काफ़ी अच्छा ये मतलब प्लेस है, काफ़ी मज़ा आता है। सो दोस्तों देख रहे हो पूरा पहाड़ी एरिया है यहाँ पे और जंगल है और काफ़ी मज़ा आता है शाम के एरिया में। तो ये रहा ना एंट्रेंस गेट है, आ गया सी एन रॉक एंट्रेंस गेट है। और हम लोग ना परफेक्ट टाइम पे पहुँच गए, 9:30 बजे पहुँचना था और 8:30 फिलहाल तो बच चुके और कहीं ना हम ना आधे घंटे के अंदर यहाँ पे पहुँच चुके। और ये होगा सी एन रॉक, ये हमारे अंकल ठीक है। तो जाते अभी यहाँ से सी एन रॉक के पास। और यहाँ का डेकोरेशन ना कर रहा था काफ़ी अच्छा था और बहुत तगड़ा डेकोरेशन किया हुआ था और काफ़ी मज़ा आया है, लिखा हुआ सी एन रॉक सी एन रॉक। सो दोस्तों ये रहा एंट्रेंस गेट है और यहाँ से अभी एंट्री कर रहे हैं होटल सी एन रॉक। और यहाँ पे ना इवनिंग का रिसेप्शन है और इवनिंग का रिसेप्शन के लिए ना इस ग्राउंड पे मतलब डेकोरेशन किया और काफ़ी अच्छा ग्राउंड है ये। और ये भी मतलब यहाँ पे हल्दी वगैरह का प्रोग्राम है और प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है क्योंकि डीजे वीजे का यहाँ पे आवाज़ आ डीजे का यहाँ पे साउंड हो रहा है तो काफ़ी अच्छा है ये। देख रहे हो गाइस बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पे रूम भी वगैरह भी अवेलेबल है, आप यहाँ पे काफ़ी मज़ा कर सकते हो। अभी पूल पार्टी वगैरह भी यहाँ पे स्टार्ट है। सो दोस्तों ये जस्ट बाजू में यहाँ पे स्विमिंग पूल है और यहाँ पे पूल पार्टी स्टार्ट है ठीक है। और कल जो आप देख रहे हो ना सामने वहाँ पे कल शाम को ना संगीत का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था ठीक है, ये आ गया। सो दोस्तों यहाँ पे ना गणपति बापा का हम लोग दर्शन ले रहे हैं। बोलो गणपति बापा मौर्या, ओम गणपते नमो नमः, गणपति बापा मौर्या। हेरा गणपति बापा ओके। जस्ट यहाँ से हमने एंट्री किया ओके गणपति बापा और यहाँ से हम लोग बाहर आ रहे। तो काफ़ी अच्छा ना जबरदस्त तरीके से यहाँ पे डेकोरेशन किया हुआ था और लाइट से लाइट था तो काफ़ी मज़ा आ गया था इस चीज़ के कि यहाँ से कल ना स्पेशल एंट्री था ग्रूम एंड ब्राइड का। और जस्ट ये ग्राउंड है, कल शाम का यहाँ पे ना संगीत का प्रोग्राम था और फिलहाल तो यहाँ पे अभी कुछ ही नहीं है ठीक है। अभी फटाफट अंदर। सो दोस्तों फाइनली मैं अभी ना रेडी हो चुका हूँ अभी काम करने के लिए। सो दोस्तों फिलहाल तो बज चुका 9:35 हो चुका है, जैसे अभी अंदर जा रहा हूँ ब्लेजर वगैरह परफेक्ट हो चुका, अब जा रहा हूँ काम करने तक। चलिए सो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना और देखते रहना ब्लॉग वीडियो। तो चलिए अभी आ जाते आगे।
तो फिलहाल तो अभी दोपहर के 12:03 हो चुका है। आज जस्ट ब्रेकफास्ट में ना 100 प्लेट थे और उसके बाद अभी ब्रेकफास्ट का ना वाइंड अप हो चुका है। जस्ट हम लोग आए अभी बैक साइड में आए और सो दोस्तों आपको दिखाता है यहाँ का नज़ारा। और यहाँ पे ना चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली और पहाड़े कुछ यहाँ पे इस प्रकार का नज़ारा ये है। और जस्ट मेरे सामने अभी घोड़ा है और हम लोग आज 3 फ्रेंड यहाँ पे कुछ घूमने के लिए आए। और जस्ट वहाँ पे ना छोटा सा एक तालाब बनाया हुआ है और वहाँ पे लिखा हुआ सी एंड रॉक करके, और ये भी छोटा सा एक तालाब है दोस्तों। ये रहा, ये क्या बोलते हो ब्रो, कैसा था आज का इवेंट? बहुत बढ़िया था। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बस टहलने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। देख रहे हो काफी बड़ा ये ग्राउंड है और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ के हमारे जो भाई लोग यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे एक छोटा सा पाइप है और उस पाइप से ना फाउंटेन जैसा फ्लोर कर रहा, राउंडिंग हो रहा है वहाँ पे, ताकि ना हर पौधे तो को ना पानी मिले। और सो दोस्तों यहाँ पे ना सियान रॉक का यहाँ पे कुछ ना ये कुछ सेल्फी पॉइंट वगैरह कुछ बना रहे शायद से यहाँ पे ना ये। हाँ करो करो बिंदास, क्या क्या बन रहा है यहाँ पे, क्या बन रहा है यहाँ पे, कुछ सेल्फी पॉइंट वगैरह है ये और सियान रॉक का होटल का। अच्छा अच्छा, देखो दोस्तों अभी दोपहर का 12 हो चुका है और हमारे यहाँ पे भाई लोग यहाँ पे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इतनी कड़ी धूप पे। तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। तो हम लोग भी सोचे चलो यहाँ पे कुछ वीडियो बनाते हैं। तो कुछ ये दोपहर का है, कुछ यहाँ पे नज़र है, बट यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा चीज़ें ये बनाया कि छोटा सा तालाब है और यहाँ पे ना छोटे मोटे यहाँ पे जहाज शिप वगैरह भी है, ताकि आप ना इस पर मतलब बैठ के ना यहाँ पे आप घूम सकते हो, देख सकते हो बहुत सारे नेचुरल चीज़ें। तो यहाँ पे ना फिलहाल तो यहाँ पे काम आधा हो चुका, अभी बनने को जा रहे हो। यहाँ के जो भाई लोग हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी बड़ा ये ग्राउंड है ये रहा। ये रहा इतना बड़ा ग्राउंड है ये, बोलो। फिलहाल तो अभी दोपहर के 12:16 हो चुका, बट अभी मैं ना बाहर आया यहाँ पे, सोचा कि फिलहाल तो अभी वहाँ पे ना लोग लंच का तैयारी कर रहे, बूफे काउंटर वगैरह लगा रहे, और उन्होंने बोला था कि 12:30 तक स्टार्ट हो जाएगा, बट मैं यहाँ पे आके ना ऐसे ही जैसे कि वहाँ पे हमारे जो भाई लोग वहाँ पे काम कर रहे, बट वही देखने आया था। दिखा तो हमारा ही कुछ नज़ारा इस प्रकार का है। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे घोड़ा भी है, ये घोड़ा रहा, बट घोड़ा का यहाँ पे ना रस्सी किसी ने निकाल दी है। घोड़ा का मूड करें किसी को ठोक भी देगा यहाँ पे। घोड़ा चंगड़ू आओ, देखो घोड़ा को देखने के लिए पता नहीं कोई है कि नहीं, बट घोड़ा को ना यहाँ पे इसलिए छोड़ा दिया है ना क्योंकि ग्राउंड ना काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे ना जो घास वगैरह होते हैं ना जो घोड़ा खाते हैं, घोड़ा तो अक्सर चना ही खाते हैं, बट वो लोग घास पीस भी खाते रहते हैं ना, तो इसके वजह से घोड़ा को ना यहाँ पे इसको ना बांधा नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। और काफ़ी अच्छा पहाड़ है ये, देख रहे हो ना आप वहाँ से। फिलहाल तो इतना मज़ा नहीं आएगा दोपहर में, बट जैसे यहाँ पे शाम होते जाएगा ना तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है काफ़ी ठंडा हो जाएगा, काफ़ी कूल रहेगा और काफ़ी मज़ा आएगा यहाँ पे। तो फिलहाल तो यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और कुछ साल के बाद ना काफ़ी अच्छा इसको बना देंगे, ताकि ये ना और लुक वाइज के लिए काफ़ी अच्छा हो। और ऑलरेडी ना सियान रॉक ना काफ़ी फेमस है मीरा भाईंदर में, तो काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं वेडिंग डेस्टिनेशन करने के लिए। और क्योंकि क्योंकि गाइस ना ये ना मतलब थोड़े जंगल के मतलब घोड़बंदर, जैसे कि आपको पता है कि घोड़बंदर में तो आते, तो यहाँ पे ना जंगल है और जंगल के बीच में यहाँ पे ना होटल रिसोर्ट बनाया गया, जिसके वजह से ये और ही पॉपुलर है मीरा भाईंदर के यहाँ पे। तो चलिए सो दोस्तों वहाँ पे मेरे दो फ्रेंड बैठे हुए हैं, और जिसमें सामने घोड़ा है और यहाँ पे फाउंटेन है जो गोल गोल यहाँ पे सर्कुलेशन है, सभी को मतलब पौधे को ना पानी पहुँचा रहे। ये रहा होटल एंड सी रॉक। 12:28 हो चुका, बट अभी हमारा वहाँ पे ना लंच का रेडी हो, लंच का तैयारी हो चुका। जस्ट मेरा फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, बोला कि तुम लोग जहाँ पे भी फटाफट यहाँ पे आ जाओ, बैंक मतलब जहाँ पे ब्रेकफास्ट लगा था ना उधर ही अभी लंच भी है। और वहाँ पे टोटल आज ना 150 प्लेट से लंच में, अभी जस्ट मैं जा रहा हूँ, अंदर ही जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों अभी बज गया दोपहर के 12:30 मतलब 12:29 और हमारे भाई लोग यहाँ पे ना घास जो बड़े बड़े उसको काट रहे हैं। इतने धूप में तो भगवान कोई और ही काम करे, हमसे तो नहीं जम पाएगा सब काम दोपहर में। दोस्तों अभी फिलहाल तो मैं ना रूम नंबर 306 में आया था कुछ फ्लोर देने के लिए, अभी 3 से ना सीधा अभी ग्राउंड फ्लोर पर जा रहा हूँ। ठीक है ग्राउंड फ्लोर पर जाऊँगा और वहाँ पर मेरा ना दोपहर का लंच स्टार्ट है, और देखते हैं मेरा इवेंट कब तक ख़त्म होगा ये। तो चलिए ये रहा लिफ्ट, और लिफ्ट से जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर। दोस्तों फिलहाल ना अभी ना शाम के 4:02 हो चुका, मेरा इवेंट ना यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अभी जस्ट मैं यहाँ से ना अपने घर के लिए निकल रहा हूँ।
सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मेरा जो मॉर्निंग का शिफ्ट था ना, वो था सी एंड रॉक में होटल में था, और बट फाइनली यहाँ पे ना मैं 9:30 बजे पहुँच गया था, और दोपहर के 3:30 बजे, मतलब फिलहाल तो अभी 4 बज रहा है, और 4 बजे मेरा चेकआउट हो चुका है, और अभी जस्ट मैं अभी घर पे जा रहा हूँ। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नीचे दे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करना। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना, अगर आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगता है तो नीचे दे कमेंट को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इसमें से कौन सा वीडियो अच्छा लगा। सो गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। सो गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक देखते रहना लास्ट सेक्शन ऑफ ब्लॉग यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। सो दोस्तों, यहाँ ये आउट गेट है, और जस्ट इसके बाहर से मैं जा रहा हूँ अपने घर पे।